गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड जो रनिंग में था, द सुनामी, ओके, उसमें कुछ पैसेजेस हम लोगों ने स्टडी किए थे, इन जिसमें कि वन स्टोरी हमने थाईलैंड में जो सुनामी आई थी इन 2004 उसकी हम लोगों ने स्टडी की थी, ओके। सो व्हाट विल स्टडी इन दिस क्लास? In this class, we'll study our further passages. Okay? So, move on page number 213. Let's start our passage. Okay? Tally started to scream at her family to get off the branch. जो Tilly जो है, वो अपनी family की तरफ, अपनी मतलब जो भी मम्मा पापा वगैरह थे, उनके पास वो जोर से चिल्लाने लगती है कि हम लोगों को इस बेंच से नीचे उतर जाना चाहिए, हम लोगों को इस बेंच से नीचे जाना चाहिए, ओके, मतलब बीच से उतर जाना चाहिए हमें। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने जो एक अर्थक्वेक की बात कही कि ये जो सी है ना, इसके नीचे अर्थक्वेक आ चुका है। सी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल, वो मतलब हाइस्टेरिकल वो हो रही थी कि मतलब होते ना, हाँ ये सिम्टम्स में मिल रहा है, ये सिम्टम बेस में मिल रहा है, ये तो ऐसे हो जाएगा, मतलब उसी की अपने वो माइंड में एक साइकोलॉजी वो बना रही थी। सैड हर मदर पैनी, वो मतलब उसकी जो मम्मा है जो पैनी, वो कहती है ऐसा कि तुम अपने माइंड में ही साइकोलॉजी ना बनाओ। आई डोंट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है या क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, पर मेरी बेटी, उसका मम्मा, उसकी मम्मा कहती है कि मेरी बेटी को इतना भयभीत में देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि मेरी बेटी को जब मैंने ऐसे देखा तो मैंने ये सोचा कि हाँ शायद कुछ तो गलत हो रहा होगा, ओके, कुछ तो गलत होगा, कुछ सीरियस डिजास्टर हो सकता है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी उसने अपना मतलब जो शेल्टर वगैरह था वो थर्ड फ्लोर पर, उन्होंने होटल में थर्ड फ्लोर पर लिया हुआ था। द बिल्डिंग withstood द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स, और जो बिल्डिंग जो थी वो मतलब साथ में बह सकती थी तीन सुनामी वेव्स के साथ में। इफ दे हैड स्टैंड ऑन द बेंच, अगर वो उस बीच पर स्टैंड होते मतलब रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो वहां पर जिंदा ना बचते, ओके। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, जो स्मिथ है वो दूसरे जो टूरिस्ट वहां पे आया हुआ था उस टूरिस्ट से मिलता है, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिसने अपनी अपना परिवार खो दिया था, जिसने अपनी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, दे हैड बीन फ्री वर्ल्ड फॉरवर्डेड, कि मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं स्मिथ एंड जो पैनी हैं, मिस्टर स्मिथ एंड जो मिसेस पैनी हैं, वो क्या करते हैं, वो टिली को थैंक यू बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ उसे करेक्ट टाइम पर वो ज्योग्राफी का क्लास जो थी, उसका ज्योग्राफी का जो चैप्टर जो था वो उसे याद आ गया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली जो है वो वापस अपनी स्कूल में जाती है इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लास मेट्स हर ट्रैफिंग टेल, वो टेल मतलब स्टोरी, तो उनके साथ जो भी ये जो मतलब भयभीत होने वाली जो स्टोरी उनके साथ हुई वो अपनी क्लासमेट्स को, वो इंग्लैंड जाकर अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स से वो ये चीज़ शेयर करती है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, बिफोर द गेंट वेव्स, सॉरी स्टार्ट करते हैं, बिफोर द गेंट वेव्स स्लैम्ड इन टू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, कि इंडिया और श्रीलंका के जो कोस्टल एरियाज हैं, ओके, जहाँ पर जो सेतु निर्माण हुआ है, ओके, इन दैट कोस्टल एरियाज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स
seemed to know what was about to happen. वहाँ ये कहा जाता है कि जो wild animals या जो domestic animals हैं, उनको कुछ घटना घटने से, मतलब घटित होने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है. Okay? They felled too softly. वो बहुत ही ज़्यादा softly वो felled करते हैं. According to the eyewitness accounts, eyewitness accounts के according, elephant screamed and run for higher rounds. Elephant को अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो higher ground, मतलब वो बहुत run करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं वो on higher ground. Dog refused to go outdoors. Dogs जो हैं वो बाहर जाने के, मतलब वो बाहर नहीं जाते हैं. Flamingos abandoned their low lying breeding areas. जो flamingos जो animals हैं वो low land breeding areas में वो चले जाते हैं. अंदर जैसे होता है ना डैम टाइप एरियाज जो होते हैं वो उधर चले जाते हैं, जहाँ पर मतलब वो रहते हैं, जहाँ पर वो अपने एग्स वगैरह देते हैं. ओके, नेस्ट या फिर मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं. एंड जू एनिमल रस्टेड इन टू देयर शेल्टर्स, और जो जू में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर्स में जहाँ वो रहते हैं, जैसे लॉयन इन डैम रहते हैं. ओके, मंकी मतलब जिस प्लेस पे रहता है, मतलब वो अपने अपने शेल्टर में, अपने अपने घरों में वो चले जाते हैं. एंड कुड नॉट बी एंटेंस टू कम बैक आउट, और वापस बाहर निकलने का तो वो सोचते भी नहीं है, मतलब वो वापस बाहर नहीं निकलते हैं, वो अंदर जाके वो छुप जाते हैं. ओके, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉजेस एंड सिक्स्थ सेंस. जो एनिमल्स जो हैं उनमें, मतलब बहुत से लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि एनिमल्स जो है उनमें ये सिक्स्थ सेंस होता है कि कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होने से पहले ही उन्हें ये पता चल जाता है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, उन्हें ये पता चल जाता है कि मतलब अर्थ पर कौन सा डिजास्टर, मतलब कैसे क्या होने वाला है अर्थ पर. ओके, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प them to hear or feel the earth's vibration. कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं कि animals जो हैं उनमें इतनी capacity होती है या इतनी, मतलब उनकी sharp, ये होता है ना sharp sense, या मतलब बहुत ज़्यादा sharp होती है उनकी vibrate, जो earth का जो vibration होता है ना उसको भी वो catch up कर लेते हैं. ओके, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि एनिमल जो हैं वो अर्थ की वाइब्रेशन को भी बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं. दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. वो मतलब ह्यूमंस से पहले, मतलब ह्यूमंस को तो बाद में पता चलता है, उससे बहुत पहले ही वो ये पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है. वी कैनॉट बी श्योर whether animals have a sixth sense or not. हम लोग इस चीज़ के लिए तो श्योर नहीं हो सकते कि animals में sixth sense होता है या नहीं, but the fact is that the gained waves and rolling through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in the dozen countries. But not many animals have been reported dead. कि मतलब जो इंडियन ओशन में जो वेव्स आई थी या फिर इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनमें बहुत से कंट्रीज़ के बहुत हज़ारों, मतलब बहुत ही करोड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन उनके कंपेरिजन में एनिमल्स की डेथ तो बहुत कम होती है. ओके, ह्यूमंस की कंपेरिजन में एनिमल्स की डेथ तो बहुत कम होती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये सिक्स्थ सेंस पाया जाता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस क्लास. यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द पैसेजेस वी हैड स्टडीड इन दिस क्लास. ओके, सो बाय.